नमस्कार, मैं अनिल बेगान अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा वो काफ़ी वैल्यूएबल रहने वाली है आप लोगों के लिए। जो लोग अपना इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो काफ़ी यूनिक रहने वाली है। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने की कोशिश नहीं की होगी। मैक्सिमम यूट्यूबर जो है इसके जो है लगभग 1 से 2 लाख रुपये स्ट्रैटेजी की चार्ज करते हैं, और इवन तो ये बताते ही नहीं है। जो मैं बताने की कोशिश करूँगा इसमें क्या है, आपने दो चीज़ें नोट करनी है। पहली, 15 मिनट कैंडल्स को लगाना है, ठीक है जी। और उसके बाद तुरंत उसको जो है 15 मिनट, पहली 15 मिनट, ठीक है, पहली 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसको जो हाई और लो, उसका क्या करना है, हाई और लो क्या करना है, मार्क करना है, मार्क करना, ठीक है जी। मार्क करने के बाद जो है उसके बाद तुरंत आपने 5 मिनट में आना है। 5 मिनट आने के बाद अगर उस हाई के नीचे 5 मिनट का कैंडल पूरा क्लोज करता है, उसके नीचे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। उसके ऊपर 5-15 मिनट के ऊपर आप 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ गई होगी। ये आपका रूल रहने वाला है। दिन में आपको 1 से 2 ट्रेड मिलेगी, SL भी होगी, प्रॉफिट भी होगा। कहने का मतलब इसकी 80% जो है एक्यूरेसी सेटअप की, और आपको 1:3 से कम प्रॉफिट लेना ही नहीं है, वो भी विद ट्रेलिंग SL के साथ। तो चलिए इसको थोड़ा सा चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट हम 5 दिन का समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है आपने। ये मोबाइल में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे को पता है जो भी मेरी वीडियो देखने वाला है वो सब मोबाइल यूज़र है। मोबाइल से कोई लोग अगर अपना रिसर्च करना चाहते हैं, वैसे तो मोबाइल से अलाउड नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं मोबाइल से जो बड़ी स्क्रीन के आगे अपना रिसर्च होता है वो कुछ उसकी और बात है। फिर भी कोई बेचारा ऐसा होगा जिसके पास लैपटॉप ना होते, फ़ोन होगा, वो जो मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकता है, वो बिल्कुल अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ये डेट देखते हैं 29 का है। पिछले कुछ दिनों का हम रिसर्च करते हैं, सिर्फ इसमें क्या हमें प्रॉफिट रहा है, लॉस हुआ है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ है हमें। आपको एक कंडीशन और भी नोट करनी है। आपका अगर मॉर्निंग में जो है, मॉर्निंग का जो पहला कैंडल होता है उसके ऊपर जो 5 मिनट की कैंडल अगर आपके 10:30 के आसपास बन जाती है, 10 या 10:30 तक बन जाती है, तो आप लोग ट्रेड लीजिए। अगर उसके बाद बनती है तो वो जो आपका आपका वो सेटअप फेल हो जाएगा। ये चीज़ें जो है नोट करनी पड़ती है, डिसिप्लिन के साथ नोट करनी पड़ती है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पहले दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। एक मार्केट जो है आपका यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से साइडवेज रही है, कहीं ना कहीं इस तरह से ये मार्केट साइडवेज रही है, इन दो लाइंस के बीच काम कर रही है, ठीक है जी। अब बात करते हैं 30 तारीख की। तीस को आप देख सकते हैं, 30 में भी आपका जो है पहला कैंडल जो है ये बना है, इसमें भी आपको लगभग आपको ट्रेड नहीं मिला, ठीक है जी। इसमें भी आपको ट्रेड नहीं मिला। अगर पहली कैंडल रेड बनती है, एक और पॉइंट नोट कीजिए, पहली कैंडल रेड बनती है तो आप सेलिंग की साइड जाने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी ग्रीन बनती है तो आप बाइंग की साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जिस हिसाब उस हिसाब से आप ट्रेडिंग अपना प्लान करेंगे। 29 को हमें ट्रेड नहीं मिला है। अब बात करते हैं 1 जून को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको मार्क कीजिए, ये 1 जून हमारा है। इसमें क्या करेंगे हम, 1 जून को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गया है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको 1 जून को आपको ट्रेड मिल गया है, ठीक है जी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है नीचे को कैंडल अच्छे से क्लोज हुआ है, ये इंडिसाइसिव टाइप बन गया। इंडिसाइसिव जैसे ऐसे कैंडल होता है उसमें आप ट्रेड मत कीजिए। पॉइंट नंबर 1, पहले दो 10:30 तक जो आपका पहली 15 मिनट का कैंडल का जो है ब्रेकआउट होना चाहिए,
वो भी अच्छे से। और दूसरा, एक उस ब्रेकआउट में एक अच्छी सी कैंडल दिखनी चाहिए आपको, बिल्कुल साफ़ सुथरी, इस टाइप से नहीं जैसे जैसा ऐसी होती है, ये कैंडल दिखनी चाहिए प्रॉपर कैंडल, जैसे मान लो ये वाली है। इसने जैसे ब्रेकआउट किया, इसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हैं, या देखिए आपको किस किस टाइप्स का प्रॉफिट हुआ है, देख सकते हैं आप, आपको किस तरह से प्रॉफिट हुआ है। एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है यहाँ, जैसे ही एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ये वाली कैंडल जैसे क्लोज होती है, एक अच्छे से ब्रेकआउट करती है नीचे को, तो आप देख सकते हैं कैसा प्रॉफिट हुआ है, एकदम बिल्कुल सही प्रॉफिट हुआ है आपका एसएल यहाँ पे। फिर उसके बाद अपना एसएल यहाँ ट्रेल करना है, फिर यहाँ पे ट्रेल करना है, यहाँ पे आपका जो है लगभग आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप फॉलो कीजिए, मैक्सिमम 50 से 100 ट्रेड में फॉलो कीजिए विद इन डिसिप्लिन, जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ नोट कीजिए जो मैंने बताया है। अब बात करते हैं दो तरीके, दो को क्या हुआ जी, 2 जून को क्या हुआ है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट का कैंडल बनाए, फिर हम अपना 5 मिनट पे स्विच हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है नीचे को, ब्रेक डाउन किया है, सॉरी ब्रेक डाउन किया है, इसके नीचे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका एसएल यहाँ रहने वाला है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा, लगभग आपका एसएल लेट हो गया, ट्रेडिंग एसएल लेट हो गया, तो आपने जो है यहाँ पे 1:1 पे आप निकल गए। पहले में 1:3 का प्रॉफिट मिला, दूसरे में 1:1, अभी तक लॉस में आप नहीं हुए हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं 3 तरीक, सिस्टम में जो है समझाना आसान रहता है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा मोबाइल फ़ोन से, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। अब 3 को छुट्टी दिया, 5 की बात करते हैं। पांच देर की बात करते हैं, 5 को क्या है, 10:30 के आसपास हमारे को ट्रेड मिला है। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है जी। उसके ऊपर ट्रेड कब हुआ है, तुरंत नहीं हुआ है, उसके ऊपर तुरंत ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिर नीचे आया, फिर जाके ऊपर, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लिए, 10:30 से पहले ब्रेकआउट हुआ उसका, जैसे ब्रेकआउट होता है और ट्रेड तुरंत ऐसे करना चाहिए, तो आपने लेना है, जैसे नीचे आ गए फिर आपने छोड़ देना है। ये कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज़ के रूल होते हैं। अगर आपने कुछ भी खेल खेलना है, ठीक है जी, क्रिकेट है, यानी आपने शॉट मार दिया, किसी ने कैच कर दिया, अगर वो कैच नीचे टप्पा लगने के बाद पकड़ेंगे आप, नॉट आउट होगा, डायरेक्ट पकड़ेंगे, तो इसी तरह से इसमें रूल है, इस तरह से आपने ट्रेड करना है। समझने की कोशिश कीजिए, ट्रेडिंग कोई आसान नहीं है, अगर आप समझेंगे तो आसान है, अगर नहीं समझेंगे तो ये बहुत मुश्किल भी है। अब बात करते हैं 6 तरीक की, 6 को भी कुछ सिमिलर, 6 को देख सकते हैं, 6 को हमें ट्रेड मिला। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड आपको कम मिलेंगे पर विनिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंतज़ार करने पड़ेगा, जिसको चुल बची हुई है ट्रेड करने की, वो जो है अपना लॉस करेगा ही करेगा, उसको खुदा भी नहीं बचा सकता, ठीक है जी। अब 6 की बात करते हैं, 6 को जो है एक अपना बहुत अच्छा ब्रेक डाउन किया है, आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद अपना एक टारगेट मिला है, लगभग 1:2 के आसपास टारगेट मिला है ट्रेडिंग एसएल के बाद, पहला एसएल ये, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन में आपको प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है जी। अब 7 तरीक की बात करते हैं, सात को भी आपको ट्रेड मिला है, ठीक है जी, 7 को भी आपने देखना, 7 को भी आपको क्या मिला है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं समझाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको इस हिसाब से, इसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो कहीं लॉस नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, देख सकते हैं पहला सेल आपका यहाँ होगा, इसके नीचे गया, फिर यहाँ पे आएगी, फिर आपका इसके नीचे गया,
फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका एसएल ट्रेलिंग एसएल हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है 1:2, हमार को मिला है 29 से लेकर आज तक 4 ट्रेड मिला है, लगभग हमार को 4 में क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है, 2 दिन हमें ट्रेड नहीं मिला है। अब बात करते हैं 8 तारीख की, आठ को भी दोस्तों हमें एक अच्छा ट्रेड मिला है, 8 तारीख को भी हमारे क्या हुआ है, एक अच्छा ट्रेड मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा ट्रेड मिला है, 1:3 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। 5 दिनों में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, एक दिन में हमें लगभग लॉस, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, 2 दिन हमें ट्रेड नहीं मिला, 5-7-8 दिन। अब बात करते हैं हम 9 की, ठीक है, 9 तारीख की बात करते हैं जी, 9 में क्या हुआ है, 9 में हुआ ऐसा है, देख सकते हैं आप, 9 में कुछ खास हुआ है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। 9 तारीख को क्या हुआ है, एक मॉर्निंग में नीचे को ब्रेक डाउन हुआ है, इसके नीचे प्राइस में देखो वर्क नहीं किया, आपका ट्रेड नहीं जनरेट हुआ है। मैंने बोला स्टार्टिंग में जैसे एक अच्छा कैंडल बताया उसके नीचे जैसे प्राइस जाता है तब जाके आप ट्रेड लीजिए, देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, उसके बाद ऊपर को हुआ है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आपको लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट में, कहने के मतलब है 10 दिन में आपका क्या हुआ है, 6 दिन प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन ट्रेड नहीं मिला है और 2 दिन नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है जी। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसमें आपने ट्रेड कम लेने पड़ते हैं, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अगर आप इसको निरंतर करते रहते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर जो है इसको एक प्रीमियम स्ट्रेटजी के रूप में बेचते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल पे जो है अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।